अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सीमा अशरफी सीमाज लजीज फूड में आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। दोस्तों मैं आज लाई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी सी नॉनवेज की रेसिपी जिसका नाम है चिकन लॉलीपॉप, जो हम सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो देखिए, चिकन लॉलीपॉप बनाने के लिए चिकन विंग्स जो है ना इस तरीके से लेना है। आप जो आपका चिकन शॉप में जाओगे तो उनको कहना कि इस तरीके से हमको कट करके दे, इस तरीके से नीचे की तरफ चिकन करना है। और इस तरीके से मैंने 10 से 12 पीस लिया है, उसके लिए मैंने लिया है चिकन 10 से 12 पीस, अंडे 2 लिया है, 3 टीस्पून मैंने लिया है मैदा, 3 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, 3 टीस्पून मैंने लिया है चावल का आटा, तीनों भी वाइट है, और 1 टीस्पून लिया है लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 लिया है मैंने एक रेड कलर लिया है, और क्रश किया हुआ लहसुन लिया है, बहुत सारा है इसमें से हमें यूज आएगा 1 टीस्पून। तो चलिए मैरिनेशन करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। मैंने 2 घंटे पहले चिकन को 1 नींबू और 1/2 टीस्पून नमक डाल के 2 घंटे के लिए रख दिया था। 2 घंटे के बाद उसको बाहर निकाला, उसमें थोड़ा मॉइस्चर निकल आया था, उस मॉइस्चर से इसको बाहर निकाल देना है। देखिए अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, और अब हमें इसमें मैरिनेशन करना है। तो मैरिनेशन का तरीका मैं आपको बताती हूँ। एक बाउल लीजिए बड़ा सा, उसमें सारे चिकन विंग्स डाल दीजिए इस तरीके से, बाउल में हमें डालना है 2 अंडे, 2 अंडे डाल के ये सारे मसाले इसमें डालना है और इसमें मिक्स करना है। चलिए सारे मसाले मैं इसमें डाल के मिक्स कर देती हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने सारा मैरिनेशन कर लिया है। इसमें हमें लहसुन ऐड करना है 1/2 टीस्पून, तो देखिए मैंने 1/2 टीस्पून क्रश किया और लहसुन ऐड किया है। नमक इसमें डालिए टेस्ट के अकॉर्डिंग, सामग्री में मैंने आपको नमक बताना भूल गया था, नमक इसमें डालिए आप टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको मिक्स करके 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए रख दीजिए आप, और रखने के बाद फिर हम इसे फ्राई करेंगे। चलिए दोस्तों, 2 घंटे से हो चुके हैं और 2 घंटे के बाद हम इसे डीप फ्राई करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने 2 बड़ी कटोरी ऑयल कढ़ाई में डाल के गर्म के लिए रखा था। अब हमें इसमें इस चिकन विंग्स को डीप फ्राई करना है इस तरीके से। चिकन वाले ने ना आज क्या किया, बहुत बड़े बड़े से चिकन के पीस कर दिया है, तो कोई बात नहीं, उसको सिम फ्लेम पे अच्छी तरह पकने दीजिए। बहुत ही टेस्टी होती है चिकन लॉलीपॉप। अच्छे तरीके से सारा मसाला इसमें लगा के कोटिंग करके है तलना है। देखिए इस तरीके से इसमें डालना है, लो फ्लेम पे ही रखें। फुल फ्लेम पे अगर आप रखेंगे ऊपर से कोटिंग हो जाएगा, अच्छी तरीके से पक जाएगा, बट अंदर से वो अच्छे तरीके से नहीं पकेगा, तो उसको नॉर्मल ही गैस पे बनाइए। तो सारे मैंने चिकन लॉलीपॉप इसमें डाल दिया है, अब इसे नॉर्मल फ्लेम पे पकने दीजिए। तो दोस्तों हमारे चिकन विंग्स जो है ना, ये चिकन लॉलीपॉप फ्राई हो रहे हैं। तो जब तक मैं एक साइड ये फ्राई हो रहे हैं, उसके साथ खाया जाने वाला सॉस आप लोगों को बताती हूँ कि सॉस किस तरीके से बनाना है। तो सॉस बनाने के लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है ऑयल, एक पैन में डाला, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें 1 टीस्पून डालना है हमें बारीक क्रश किया हुआ लहसुन, एक टीस्पून डालना है, तो ये हुआ मेरा 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। हल्की सी इसमें जब खुशबू आने लगे, हल्का सा जब ये गोल्डन फ्राई हो जाए, तो इसमें डालिए आप 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये देखिए मैंने डाला है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और 1 बड़ा टेबलस्पून डालना है टमाटो सॉस। इस तरीके से बस मिक्स करिए, और ये जो पानी है, इस पानी में मैंने 1/2 कटोरी से थोड़ा ज़्यादा मैंने पानी लिया है इसमें। इस पानी में मैंने लाल कलर डाला है थोड़ा सा, और 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर इसमें घोला है। इस पानी में 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर घोला है, थोड़ा सा रेड कलर डाला है, इसका लिक्विड बना के हमें इस सॉस में ऐड कर देना है बस इस तरीके से, और बस इसे पकने दीजिए अच्छी तरीके से। तो देखिए जो सॉस हमारा पक रहा है ना, ये टमाटो सॉस जैसा थिक सा सॉस हो जाए तो समझ जाइए ये पक चुका है, और हल्का सा इसमें से तेल निकल आए तो ये हमारा सॉस बहुत अच्छे से पक चुका है। सॉस हमारा पक चुका है, इसमें थोड़ी सी 1/4 शक्कर ऐड कीजिए, और वेनेगर डालिए इसमें वेनेगर के ढक्कन से, 2 ढक्कन के अंदाज में 2 टीस्पून वेनेगर,
और अब ये सॉस को मिक्स कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी और बाजार से भी अच्छा सॉस तैयार है चिकन लॉलीपॉप के साथ खाए जाने वाला। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारे लॉलीपॉप बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। फ्राई करने के बाद हमें क्या करना है, आपको अगर खाना है तो इस तरीके से ड्राई भी खा सकते हैं, मगर मैं सॉस के साथ इसे थोड़ा टॉस करना चाहती हूँ। तो देखिए सारे लॉलीपॉप को मैं इस तरीके से, जो हमने सॉस बनाया था उसमें से मैंने सर्व करने के लिए अलग से थोड़ा सा निकाल लिया है। थोड़ा सॉस इसमें पैन में बचा कर रखा है और उसी सॉस में सारे लॉलीपॉप को मैं टॉस कर दूँगी, उससे एक्स्ट्रा टेस्ट इसमें आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको टॉस कर दूंगी अच्छी तरीके से। इस तरीके से मिक्स कर लीजिए ऊपर नीचे करके और मैं आपके लिए सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस तरीके से चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी आप लोगों के लिए तैयार किया है। ये प्लेटिंग किया है मैंने और ये सॉस के साथ ये लॉलीपॉप को आप ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए आप मेरे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।